हे गाइस, तो आज हम वेस्ट प्लास्टिक कंटेनर से फ्लावर पॉट बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले एक बाउल लेते हैं और उसमें हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस डाल दिया है और इसमें फिर हम थोड़ा सा गोंद डाल देंगे और वाटर। फिर इसको हम मिक्स करके डो बना लेंगे। तो ये देखिए गाइस, डो बना लिया है। अब डो बनाने के बाद कंटेनर वापस लेंगे और उसे बाहर की तरफ से कवर कर देंगे फुल। अब हम अपने हाथों को पानी से थोड़ा गीला करके इसे प्लेन कर देंगे और फिर 2 मिनट इसे सूखने के लिए रख देंगे। थोड़ा ये हल्का ड्राई होगा, देन इसके बाद हम कोई भी चीज़ लेकर किसी भी चीज़ से स्ट्रक्चर या कोई भी डिज़ाइन बनाना चाहे वो बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे झाड़ू की सीख ली है और उससे मैंने यहाँ पे स्टैम्प का, ट्रीज स्टैम्प्स होते हैं, उसी का शेप दिया है। देखिए मैंने ऐसे डिज़ाइन दे दिया इसको। आप कोई सा भी डिज़ाइन दे सकते हैं या फिर फ्लावर्स बना सकते हैं। आफ्टर मेकिंग डिज़ाइन हम इसे 10 मिनट्स के लिए धूप में ड्राई होने के लिए रख देंगे। अब हम इसे सीधा कर लेंगे और ऊपर देख रहे हैं गाइस जैसे सिंपल सा लग रहा है, तो इस पर हम डिज़ाइन बनाने के लिए अगेन POP से इसे कवर करेंगे और फिर हम इस पर डिज़ाइन बनाएंगे। और ऊपर वाले पार्ट के लिए मैंने यहाँ पे रेड कलर सेलेक्ट किया है। इसका जो बैक साइड है उस पर मैंने यहाँ ब्लैक कलर यूज़ किया है। आप कोई सा भी कर सकते हैं। और अंदर की साइड देखिएगा, इस मैंने येलो कलर से पेंट किया है। तो ये हमारा फ्लावर पॉट रेडी हो गया। गाइस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कैसा लग रहा है। प्यारा सा, छोटा सा, इतना प्यारा लग रहा है मुझे तो रियली। मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है ये, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसा लगा। और क्राफ्ट आइडियाज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ढेर सारा प्यार एंड सपोर्ट प्लीज़ मुझे दें। गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।